अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम आपको फिर से सुनाएंगे सस्ती शायरी। अर्ज़ किया है कि पूरी दुनिया को पता है अंकल मजबूर ठरकी है। वाह 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 वाह, पब्लिक शायरी देख रहे हो? पूरी दुनिया को पता है कि अंकल मजबूर ठरकी है, मेरे दोस्त का फेवरेट लैंडिंग स्पॉट जरकी है। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। तो मेंशन करो अपने उस दोस्त को जिसका लैंडिंग स्पॉट फेवरेट जाना वो जरकी है। लाइक उसका नाम बस लिख देना, मेंशन तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो में नहीं कर सकते, तो उसका नाम आप ज़रूर लिख देना कॉमेंट में। देखते हैं कौन कौन किसका कौन सा दोस्त जरकी जाता है। तो हमारे साथ साइलेंट भैया खेल रहे थे आज, और गैस हम आ गए थे अपने घर पिंडी पचिंकी, और यहाँ पे साले ने चैलेंज दे दिया था, भाई आ जाओ पचिंकी, आ जाओ हबीबी हबीबी। अब ऑल पे लगा होता है, अरबी आती नहीं है हमारे दोस्तों को, जो भी होते हैं ना लाइक हमारे क्लैन मेंबर्स, दोस्त स्क्वाड मेंबर्स, अरबी नहीं आएगी। बट अरबी खुल के बोलेंगे हाज अखम टू पचिंकी यू अरबी, पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं। ये मेरे टीममेट्स का काम होता है, आपके टीममेट भी ऐसे ही करते होंगे मेरे को पता है। तो गैस उसके बाद हम लोग उतर तो गए पचिंकी, बट यहाँ तो गन नाम की चीज़ नहीं थी, मतलब पिंडी। यस यस, पिंडी आया था, बट पिंडी में ना गाइस गन नाम की चीज़ नहीं थी बाबा जी, तो हमें शॉटगन मिली। और गाइस अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं ठोका, क्या कर रहे हो एनोनिमस की पब्लिक, लाइक में देर नहीं करनी चाहिए, ठोक दो लाइक बटन। आज हम लाइक्स का एम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, 42,000 लाइक्स, क्योंकि आज का जो गेम प्ले ना सिर्फ एक बंदा छोड़ के, वो भी जो हमें ट्रोल कर रहा था, जिसको हम ट्रोल करना चाह रहे थे वो उल्टा हमें ट्रोल कर रहा था, उसको छोड़ के ना इतनी टाइट लॉबी थी ना गाइस, आप खुद देखोगे। लाइक अब मैं आपको बताता हूँ, वो था ना लाइक मैं कॉन्करर पुश कर रहा हूँ और मेरा रैंक चल रहा है टॉप 2500 में, मैं हूँ, मुझे टॉप 500 में आना है, और मेरा कोई स्क्वाड मेंबर पुश नहीं कर रहा, अकेले सोलो कॉन्करर पुश कर रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो ओके चलो गाइस मैं बताऊँगा अभी। सामने वाले घर में बंदा था और यहाँ पे मैं उजी लेके पुश करता हूँ, बेचारा ऊपर शॉट गन लेके खड़ा होता ही है। बाबा जी जिंदगी खतरे में आ जाती है, फिर हम भाई के पिछवाड़े पे मार के यहाँ पे उनको करेंगे फिनिश, उनकी करेंगे लूट। तो गाइस मैं सोलो पुश कर रहा हूँ, सोलो पुश करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरा कोई और स्क्वाड मेंबर कॉन्कर पुश नहीं कर रहा, सोलो में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी होल्ड करके खेलना पड़ता है। तो जैसे ही कोई अच्छा गेम प्ले आएगा कॉन्कर का, लाइक उसमें ना आठ नौ किल ऐसे निकल रहे हैं, अगर कोई ज़्यादा किल वाला निकलेगा तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और ये था यूरोप, और इसमें मेरा रैंक है एस, और एस की यूरोप की लॉबी आपको टॉप की लॉबी होती है। यहाँ भाई साहब इनके पास गन वन नहीं थी, पिछवाड़ा इनका डिंगा हुआ था, ये घरों के साइड पर ले रहे थे, क्योंकि गैस ये दो स्क्वाड हैं उसके अलग अलग। अभी देखो गैस गन नहीं मिली तो बेचारा शैक पे चला गया गन लेने के लिए बाबा जी। तो अब हम पीछे भागते हैं फौरन से, मेरी हेल्थ हो गई थी कम, हमने लगाया साथ यहाँ पे आके फर्स्ट एड, और इतनी देर में हमारे साइलेंट भैया नॉक हो गए। अब आपके टीममेट अगर नॉक हो जाए ना गैस, पूरी कोशिश करो उसको कैसे भी करके बचाओ। मेरे पास स्मोक थी, मैंने दो तीन रैंडम स्मोक कर दी अलग अलग। अब गाइस मैंने दो स्मोक की थी, एक जो लेफ्ट पे बंदे थे उनका एंगल ब्लॉक करने के लिए, और एक की थी सामने जो शैक पे बंदा था उनका एंगल ब्लॉक करने के लिए। लाइक ऐसी की थी कि दो इसी साइड पे हो जाएं। साइलेंट को बोला भाई दरख्त के पीछे आ जाओ, यहाँ पे आके इसको फिर मैं रेड डॉट दे दिया, क्योंकि इसके बाद बैरल थी और रेड डॉट उस पर चाहिए था। बैरल आपको पता आयरन साइड की मुश्किल बुरी होती है ना। फिर गाइस हमने कर दिया AKM लेके रश बाबा जी, और ये दो स्क्वाड आपस में फाइट लेते थे, तो यहाँ पे हमने थर्ड पार्टी कर दी और इनका एक बंदा वहाँ ऊपर था, तो यहाँ पे उजी लेके ना गाइस ये बंदा ना आप खुद देखोगे यहाँ पे एक एक प्लेयर ना बहुत टॉप का प्लेयर था, कोई भी ऐसा नोक वूम नहीं था। ये बंदा ऊपर स्मोक करके शॉटगन लेके खड़ा हुआ, ओ भाई साहब जैसे ही ऊपर गए। अच्छा साइलेंट गाइस मुझे क्या कह रहा था, कहता है घुस जाओ मार, मैं कवर दूंगा, आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे। मैंने कहा अच्छा जी हमारा टीममेट आ रहा तो घुसते हो, जैसे घुसा ना हमारा सरप्राइज ठॉक करके पिछवाड़े पे लगी हमारी शॉटगन और हम हो गए नॉक। फिर हमें रिवाइव मिला, इतनी देर में मैं हील करूंगा और वो नीचे जंप करके दोबारा से शॉटगन चिपका देगा साइलेंट को। तो ये बहुत अच्छा खेल रहा था गाइस, और यहाँ पे हर बंदा अरबी जो होता है ना ये अच्छे खेल रहे थे, और मैं साइलेंट को रिवाइव दे रहा था, मेरा एम ऊपर ही था, और इतनी देर में ऊपर से कर देगा नीचे जंप। तो यहाँ पे बेचारे के पास हीलिंग नहीं थी, तो यहाँ पे हमने फिर इसको किया फिनिश, और बस पचिंकी में गए थे दो स्क्वाड थे आपस में लड़के मारे और दो किल मुझे मिले, कुछ किल साइलेंट को मिले। फिर हमने यहाँ पे की मज़े से लूट, और उसके बाद हम ऐसे निकलेंगे। लेकिन गैस लाइक ये गेम ना सोलो स्क्वाड होने वाला है, इतनी मुश्किल आने वाली है ना, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा हमें। तो थैंक यू सो मच गैस दोबारा दिल से 6 लाख की फैमिली पूरी करने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो, और आप लोग के लाइक्स की वजह से हमारी वीडियो टॉप पर आ जाती है। तो प्लीज़ लाइक करना नहीं रुका करो, ठोक दिया करो गाइस लाइक बटन। अभी गाइज एक बंदा सामने आया था पिंक कपड़ों में, और ये बंदा ना एक्टिंग करने लग जाता है, देखना अंदर भागा ठीक है,
हाँ थोड़ा सा नूब था आपको देखने से लगेगा, बट ना बल्कि मेरे जैसा नूब था, ठीक है। हाँ ऑफेंड नहीं होना, मैं भी नूब ये भी नूब, और थोड़ा सा नूब था। और जब इसने देखा ना कि हम मार नहीं रहेगा, इसने एक्टिंग शुरू कर दी और ज़्यादा नूब होने की, वो आपको खुद नज़र आएगा। जब कोई ओवर एक्टिंग करता है ना आपको नज़र आता है। देखो अब मुझे बताओ उसकी गन स्किन से आपको लग रहा है ये ऐसा ऐसा बंदा होगा जैसे बन रहा है? ये ज़्यादा एक्टिंग कर रहा था, और अचानक से जब इसको मौका मिलेगा ना ये नॉक एंड फिनिश करने की करेगा साइलेंट को। देखना हम इसको मज़े से ट्रोल कर रहे थे, ये देखो ये चाहता मुझे मार सकता था बट ये ट्रोल कर रहा था। जब इसको मौका मिलेगा ना ये साइलेंट को नॉक फिनिश करेगा, देखना गाइस कैसे एकदम से तेज भागा वहां जाके साइलेंट को नॉक कर दिया और फिनिश कर रहा था। ऑलमोस्ट फिनिश कर ही देता ये अगर साइलेंट तो पीछे कवर में ना भागता नॉक होके। फिर इसकी लूट उठाई हमने, कहा बाबा जी लूट का नो मजाक, अपने टीममेट को बाद में रिवाइव करेंगे, हम पहले करेंगे लूट। और गए साइलेंट ना लाइक पहले बचिंगी में नॉक को, साइलेंट लाइक बार बार इसका बेचारे का लक ही नहीं चल रहा था, और मुझे भी अच्छे से कवर दे रहा था ये, तो बेचारा नॉक हुए जा रहा था बार बार इसका लक। समटाइम जब आपका लक नहीं होता ना आप ज़्यादा बार नॉक होते हो, तो ये चीज़ ना साइलेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली। और आप भी ये याद रखना गाइस, जब आपका कोई टीममेट ज़्यादा बार नॉक होना तो भाई उसकी हेल्थ बहुत तेज़ी से जाती है, और ये चीज़ आज मेरे माइंड से निकल गई थी और इसका मुझे दुख है। यस गाइस सुबह सुबह एडिट कर रहा हूँ, आप लोग सही गैस कर रहे हो, अभी मैं सोया भी नहीं हूँ तो इसलिए मुझे नींद भी आ रही है। तो गाइस उसके बाद इस बंदे को थोड़ा सा ट्रोल करने के बाद, और थोड़ा सा इस बंदे से ट्रोल होने के बाद हम लोग अपनी, इसका नाम हमने रखा था B6554 जो कि मेरी लाइक बाइक का नंबर है, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे बाबा जी। साइलेंट को बिठाया बाइक पे, और गाइस अभी देखना फ्लेयर पे जाना है और वहाँ जाके फंस जाना, वहाँ से निकलना हमारे लिए ना वाकई में बहुत मुश्किल हो गया था, ज़िंदगी खतरे में आ गई थी। और आज के जो TDM मैच है ना, मैं कह रहा हूँ आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, बता रहा हूँ। बस मैं फ्लेयर चली थी गाइस, स्कूल अपार्टमेंट में बंदे थे बट हमें फ्लेयर चाहिए थी क्योंकि लूट ज़रूरी है। और उसके बाद गाइस हमारे पास हीलिंग्स भी ज़्यादा नहीं थी, ये पूरा स्क्वाड फ्लेयर पर रश करने के लिए जा रहा था, हम थोड़ा सा इनसे पीछे थे, ये ऊपर जाके रुक जाएंगे और हमें गंदा वाला स्प्रे देंगे और यहाँ हमारी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी बाबा जी। बट बस मैंने पत्ते पे जाना, अल्लाह पाक मुझे बचाना, भगा दी यहाँ पे गाड़ी अपनी बाइक और बस बच गए हम इनके स्प्रे से। पता नहीं कैसे बाइक थी इसलिए शायद बच गए, गाड़ी होती तो हमें डैमेज हो जाता। लेकिन यहाँ गाइज हमारा एक्शन ख़त्म नहीं हुआ था, जैसे ही आगे पहुँचे यहाँ पे अलग स्क्वाड है, हमारी पिछवाड़े मतलब मेरी पिछवाड़े मारेगा साइलेंट को, तो बच जाएगा क्योंकि पीछे बैठा है, हेल्थ कम हुई। और यहाँ पे हमने धूम 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 थक करके लैंडिंग करवाई और भागेंगे इस वाले घर में, वो यहाँ पे सामने नजर आएगा गाइज। ओ मुझे लगा पहले बाइक है, वाह भाई वाह, सांप स्नेक एनाकोंडा कैसे मज़े से लेटा हुआ था। वैसे यहाँ पे दूसरा बंदा आ गया, मेरी हेल्थ भी कम थी, और फिर मैं इसको यहाँ पे नॉक किया बट साइलेंट यहाँ पे नॉक हो चुका है, और फिर साइलेंट को मैं यहाँ पे रिवाइव दूंगा। उससे पहले मुझे हील करनी पड़ेगी क्योंकि इससे पहले रश हो यहाँ पे गाइस, 2 से 3 टीमें हैं, ये एक टीम नहीं है। एक गाड़ी वाले ने रश किया था और फ्लेयर पे ऑलरेडी 2 टीम्स थी, तो मतलब सैंडविच हुए थे हम। और साइलेंट को इस बंदे ने नहीं मारा, साइलेंट को पड़ी थी जहाँ पे हमने बाइक रोकी था उससे ऊपर जो घर है, साइलेंट को उस साइड से पड़ी थी, तो हमारी ना यहाँ पर ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। एक तो हमारे पास हीलिंग नहीं होती, अब मेरे पास कोई फर्स्ट एड नहीं है, साइलेंट के पास भी फर्स्ट एड नहीं है, मैंने इसको बैंडेजेस दे दिए थे। अब ये बेचारा हील कर रहा होता है और दूर से फिर कोई M24 से नॉक कर देगा, तो फिर से लाइक रिवाइव करूँगा भाई को। लेकिन अब इसकी हेल्थ ना इतनी तेज़ी तेज़ी से जा रही थी ना, बस इसका बुरा दिन चल रहा था बेचारे का, और हीलिंग भी नहीं थी हमारे पास। लेकिन गाइस जब ये नॉक फिनिश हो जाएगा ना, इसने फिर मेरी इतनी हेल्प की कि मुबीन ऐसे कर ऐसे कर। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी बुरी आदत क्या है गाइस, मैं ना कैंप जो है ना वो लाइक वैसे नहीं कर सकता, अगर हाँ स्क्वाड्स में होल्ड करके बैठ जाऊँगा, होल्ड करना अलग बात है बट वो वाला सीन मुझसे नहीं होता। अगर देखो 4 बंदे हैं ना तो एक नॉक 2 नॉक करके रश करते हैं सब, मैं क्या करता हूँ 4 बंदे भी ना घुस जाऊँगा, या मार दूंगा या मर जाऊँगा, मैं ये सोच के घुस जाता हूँ। इस चक्कर में मैं बहुत बार मरता हूँ, बहुत ज़्यादा बार मरता हूँ इसी चक्कर में, मैं बेसब्रा हूँ ना, तो इसलिए ये फिर मुझे बड़ा होल्ड करवा के से मुझे गेम खिलाया और इम्पॉसिबल गेम हमने लाइक निकाल लिया गया। इस यहाँ पे उस बंदे को मैंने नॉक एंड फिनिश किया, हमारे पास हीलिंग नहीं थी, वेली क्रिएट ली थी, भूखे बहुत थे हम, बट अभी भी हमें कोई फर्स्ट एड नहीं मिला बाबा। जिसके बाद मैं स्प्रे करके इस बंदे को डाउन किया जो कि एक अलग स्क्वाड से फाइट ले रहा था, और उसके बाद हमने कहा क्लोज इन करते हैं। अब साइलेंट के पास वेस्ट भी नहीं है क्योंकि इतनी बार नॉक हो गया था, मेरी भी वेस्ट पूरी लाल है, थोड़ी सी रहती है बस। फिर DP वाला दूर से मारने लग जाता है, मुझे वो नज़र आ गया था गाइस, देखो ट्रैक्टर के साथ से मार रहा है। फिर मैं यहाँ पे रैंडम स्प्रे मारा, वो सांप बना हुआ था तो उसको मेरी कमी बुलेट लगी, क्योंकि जब आप सांप से
सांप बन के सांप सांप को मारते हो ना आमने सामने से, तो उसको ज़्यादातर हेलमेट पे लगती है क्योंकि उसका हेलमेट आपकी तरफ होता है। गैस अब यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था ना, उसकी वजह ये जब आपको पता है आपका टीममेट नॉक होता है ना, आप पैनिक हो जाते हो। और मैं स्मोक करने के चक्कर में ना, क्योंकि एकदम ओपन में था, स्मोक करने के चक्कर में ना मुझे याद ही नहीं रहा कि साइलेंट ज़्यादा बार नॉक हो चुका है और ये ब्लीड आउट हो जाएगा। और इसकी हेल्थ इतनी तेज़ी से गई थी ना, वीडियो पीछे करके देख सकते हो, कि बस समझ ही नहीं लगी, अचानक से इसकी हेल्थ सारी की सारी चली गई। अब ये जो जिनको मैंने नॉक किया था गैस, इसका शायद से मेरा, मुझे तो किल मिला, बट इसका टीममेट जो था ना उसको अलग स्क्वाड के बंदे ने पीछे से कर दिया फिनिश। लेकिन भाई जब मेरे पास हीलिंग वीलिंग नहीं है, मेरी वेस्ट भी लाल है फुल, और मैं ऐसे मुझे नहीं पता था कि वो एक बंदा है दो में तीन है, तो पहले मैंने फैसला किया भाई जो ट्रक के पीछे नॉक पड़े ना मुझे करनी है इनकी लूट। तो मैंने यहाँ पर स्मोक वॉल्स बनाई और स्मोक वॉल बना के हम लोग जाके बाबा जी करेंगे लूट। अब मुझे पता था वहाँ पे दो से तीन क्रेट हैं। ओके गाइस ये कवर में जा चुके हैं, मुझे पता था वहाँ से दो से तीन क्रेट हैं तो स्मोक्स तो मिल जाएंगी, इसलिए मैंने सारी स्मोक्स कर दी। और आपने देखा वो बंदा भी कवर में जाने के लिए कितनी स्मोक कर रहा था, तो उससे आपको एक अच्छी लॉबी का अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन जो लॉबी होती है ना गाइस, मैं आपको बोल देता हूँ, अगर लो लॉबी है मैं आपको बोल दूंगा भाई मेरी डायमंड रैंक है या क्राउन है, झूठ बोल के क्या, लाइक जो झूठ बोल के आप करोगे ना फिर लोग आपकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं होते गाइस, उनको नज़र आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं जो होता है ना लाइक लो लॉबी होगी मैं आपको बता दूंगा लो है, हाई रैंक होता है ना मैं आपको बता देता हूँ हाई है। ये तो यूरोप था, एस था मेरा इसमें, और लाइक एस क्राउन वन, एस क्राउन वन वो तो चलता रहता है, जब मैं ज़्यादा मरता हूँ क्राउन वन हो जाता है, और जब थोड़ा सा एक दो गेम अच्छे जाते हैं तो वापस से मेरा एस हो जाता है। और जब मैं पुश कर रहा हूँ कॉन्करर वो मिडिल ईस्ट में, उसमें मेरे 6 स्टार्स हो चुके हैं, और जल्दी इंशाल्लाह आपकी दुआएं रहेंगी और मेरी, मैं ऐसे मेहनत करता रहा तो इंशाल्लाह हमारा जल्द कॉन्करर हो जाएगा, और फिर आपको हम लोग दिखाएंगे केडी वगैरह कि कितना कितने मैचेस लगे क्या कुछ हुआ। अब गैस मैं यहाँ पे गाड़ी रोकी थी स्पॉट करने के लिए, बट मुझे कोई नज़र नहीं आया और ज़्यादा अच्छा एंगल भी नहीं था। सलेंट ने बोला भाई यहाँ मत रुको, एकदम ओपन है तो आप हाइट ले लो, और ये जो स्नाइपर टावर वाली साइड थी ना ये हाइट पे थी, तो मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ आने का गैस कुछ फ़ायदा नहीं होता। आप अब लाइक मैं जो हूँ ना बेसब्रा हूँ गैस, अगर मैं होता ना वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से खेला होता ना, मैं मुँह पर जाके गाड़ी थूक देता या मर जाता या मार देता। लेकिन सलेम मुझे बोल रहा था भाई तेरा गेम प्ले सुबह से नहीं बना, रैंक पुश कर रहा था, और ये हम शहरी के बाद बना रहे थे गाइस। तो उसने मुझे बोला भाई सब्र से खेल, तू मेरी कॉल फॉलो कर। मैंने कहा ओके भाई आपकी कॉल फॉलो करते हैं हम। तो मैं कॉल फॉलो करके खेल रहा था, जैसे ये कह रहा था मैं वैसे करता जा रहा था। फिर अब इसने बोला भाई थोड़ा सा आगे रिक्शे चला जाए, जहाँ पर वो बंदा था मैं यहाँ पर आ गया और ये बंदा मुझे नज़र आया। इसके पास लूट नहीं थी गाइस, ये उन बंदों की लूट करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और फिर अपनी गदा गाड़ी उठा के बाबा जी यहाँ से निकलेंगे, और निकलने के बाद गैस मुझे चाहिए थी लेवल 3, क्योंकि सोलो बचा हूँ, लेवल 3 लाजमी है। ड्रॉप हो रहा था, मैं ड्रॉप पे आया लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वाड बैठा था, और ये स्क्वाड भी गैस टॉप का स्क्वाड था, लाइक क्लैन था अरबियों का, और अरबियों का क्लैन आपको पता है भाई ये इनकी एक तो पिंग अच्छी, ऊपर से जो कॉल फॉलो करते हैं, हाउ जखम टू बंदा, पता नहीं कैसे कैसे करके बंदे की बैंड बजाते हैं। और मैं अकेला बचा था तो मेरा था यहाँ पे किसी को नॉक करके फिर मैं रश करूँ। मैं इनको गैस लो तो किया लेकिन ये कवर में चले गए। और फिर गैस मैं फैसला किया कि भाई मैं यहाँ से इनसे फाइट नहीं ले सकता, मुझे करनी पड़ेगी थोड़ी सी जगह चेंज, थोड़ा सा एंगल बनाना पड़ेगा। अब इनमें से शायद एक बंदे ने देखा था कि मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, पता नहीं उसने अपने टीममेट को बताया नहीं है क्या, लेकिन इसका मुझे फ़ायदा हो गया गैस। अब मैं ये मैप ज़्यादा खेलता हूँ ना, जो आप लोगों को मैप ज़्यादा खेलता हूँ आपको अंदाज़ा होता है कहाँ पे रिज है कहाँ पे क्या चीज़ है। अब मुझे पता था यहाँ पे छोटे छोटे रिज हैं, मैंने रिज के पीछे गाड़ी रोकी और यहाँ आके मैं एंगल लूँगा जो बंदे वहाँ पे ऊपर टिकट ले रहे थे। अब यहाँ पे गैस मुझे इसका साफ एंगल मिला, मैंने नॉक किया और इसका दूसरा टीममेट था वो भी नज़र आया। अब यहाँ पे उसको 2-4 बॉडी शॉट एक हेड शॉट लगा, बड़ी नॉक नहीं हुआ। उसके बाद बस जब ये लो था मुझे पता हील करेगा, तो मैंने उठाई अपनी भाई गधा गाड़ी और हमने फ़ौरन से कर दिया क्लोज इन ताकि वो रिवाइव ना हो जाए, वहीं पे रोका जहां वो नॉक हुआ था। अब मुझे नहीं पता था गाइस पूरे 4 हैं या कितने बंदे हैं। तो यहां पे गाइस मैंने एक नॉक दिया, उसको फिनिश किया, और जैसे मैं यहां से हटा गाइस जिंदगी खतरे में आ गई। डीपी वाला सांप बन के लेटा था, मैंने फ़ौरन से उजी निकाली, उसको नॉक एंड फिनिश किया, जिंदगी खतरे में आ गई थी गाइस। अब इनके 3 बंदे जो डाउन कर चुका, मैं आखिरी बंदे का मुझे नहीं पता कहां पर है, तो मैं फ़ौरन से बूस्ट मारूंगा, और बूस्ट मारने के बाद यहां पे इनकी करेंगे लूट बाबा जी, क्योंकि लूट का नो मजाक, लूट जितनी कर लो कम लगती है।
और मेरे पास 5 कैमो भी नहीं था ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे लूट की। और मुझे लगा था कि इनके पास ऑम है, क्योंकि इन्होंने ड्रॉप लूटा था, तो पहले मुझे डर लगा कि इनका आखिरी बंदा कैंप ना कर रहा हो, और फिर वो नज़र नहीं आया, तो बस मैं सरन को बोला, ये मुझे कह रहा था, कहता है कि एक बंदा बचा है कैंपिंग कर रहा होगा, तो यहाँ से निकल जा, अगर वो लाइक यहाँ हुआ ना, उसने तो ये नॉक लाइक मार देना है कैंप करके, तो अपना गेम प्ले ख़राब नहीं कर, यहाँ से निकल जा। मैंने कहा नहीं ब्रो, अगर यहाँ पे ऑम है ना, तो हम अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बट M24 थी, मैंने M24 नहीं उठाई, क्योंकि गाइस मुझे बस दिल नहीं कर रहा था। समटाइम का दिल करता तो आप स्नाइपर चलाते हो, दिल नहीं था तो मैंने M24 नहीं उठाई। ऑम होती तो मैं ज़रूर उठा लेता, तो क्योंकि समटाइम Level 3 हेड मारो ना M24 से भी तो नहीं होता, लाइक नॉक नहीं होता बंदा। अब गाइस देखो, फाइट हो रही थी, ठीक है, सर्कल इतना छोटा था, अगर मेरे आसपास फाइट हो रही होती तो मुझे मार खाते। लेकिन अब देखो यहाँ पे ना स्क्वाडोज है, ठीक है, जोन के बाहर, और ये साइलेंट कॉम्पिटेटिव खेलता है ना, तो उसका दिमाग बड़ा चलता है, लाइक स्क्रिम्स वगैरह खेलता है ये, तो ये हमारे वो जो कॉम्पिटेटिव स्क्वाड होता है ना हमारे, ये उसका मेम्बर है ना, लाइक स्टार क्लैन का एक ही लाइनअप है, वो कॉम्पिटेटिव खेलता है और ये उसका मेम्बर है, लीड करता है, तो इस इनको ना कॉम्पिटेटिव का आइडिया होता है। अब ये कह रहा था कि भाई जो घर है ना, यहाँ पे फाइट हो सकती है, अगर तेरे आसपास होती है शॉर्ट्स आते तो ये घर वाले ना जोन में आएंगे, तो एक बार गाड़ी लेकर घुमा के देख ले। मैंने कहा ओके देखता हूँ। अब ये स्क्वाड हाउस में शायद से गैस फाइट हो रही थी, और इसका तुक्का ठीक था, वो स्क्वाडों से निकल गैस बनने वहाँ पे खड़े हुए। और फिर मैंने यहाँ पे एक नॉक दिया गैस, और फिर मैं थोड़ा सा क्लोज इन करने का कहा, क्योंकि 4 ही बंदे बचे थे, ये लोग स्क्वाडों से मर मार के निकले थे वहाँ से। और अब मुझे आइडिया था कि ये 2 बंदे हैं। अब मैं बताता हूँ गैस 2 बंदे क्यों, क्योंकि मैंने 3 मार रखे हैं, उनका एक बंदा अभी भी रहता है, ठीक है, तो ये 2 ही हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक नॉक करके फ़ौरन से आगे रश किया, पेड़ के पीछे उसको रिवाइव देने आया था, और फिर मैं नेट की कर दी बरसात की। अब आइडिया नहीं था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता था, तो मैं ऐसे रैंडम नेट फेंक दी, किसी से तो फट जाएगा, बट मेरे किसी नेट से नहीं फटता, और वो लोग मुझसे करेंगे रश। तो मैं एंगल लेके मारा साइड से, और इस बेचारे ने यह हील नहीं किया था, यह उसको नेट का डैमेज पड़ा था, तो बेचारे यहाँ पे ही हो जाता है फिनिश। और बाबा जी हम एक और बार मौत को छू के टक से वापस आ जाते हैं। मुझे पता है मैं पूरी गेम ले मैं नहीं बोल रहा, तो हमें यहाँ बोलना पड़ेगा ना बाबा जी। तो गाइस आखिरी बंदा बचा था, और यही वही बंदा था जिसका स्क्वाड हमने मारा था ना नीचे शूटिंग रेंज में। अब वो कैंपिंग कर रहा था, गाइस मैंने उसको इतना ढूंढा, अब फ्यूल भी ख़त्म हो गया था, और देखो सर्कल कितना छोटा हो गया, उसको ढूंढ ढूंढ के बड़ी नेक्स्ट लेवल कैंपिंग कर रहा था। यहाँ नज़र आया मुझे तो मैं फ़ौरन से प्रोन हो गया, आपने देखा राइट पर लेटा हुआ था, तो गैस मैं एक लो टॉस नेट किया कि शायद से नेट से फट जाए, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था, M249 होती ना खा जाता है ये सांप, तो नेट से ही शायद पीछे हो जाता है, फिर मैं उजी लेके आगे जाता हूँ। अच्छा मारा गैस इसने, अच्छा मारा, काफ़ी हेल्थ कम करती थी। और अब हम आपको दिखाएंगे सस्ते नशे TDM के, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और आप देखना सस्ते नशे, लाइक गैस गन से तो मैं हमेशा ही मारता हूँ, आज मैंने सोचा आपको थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं, थोड़ा मज़ा आए, तो ये देखो सस्ते नशे, ये निकाला हमने नेड, आइए सर जी आइए, बूम, तुमको लेके मरेगा मैं। और फिर दूसरा सस्ता नशा करेंगे गाइस हम यहाँ पे, फिर से हमने नेड निकाला, आइए सर जी आइए, आपका इंतज़ार हो रहा है, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ठा दूसरा सस्ता नशा। फिर गाइस हम करेंगे तीसरा सस्ता नशा, आइए हमने नेड निकाल लिया, बाबा जी किधर हैं आप, ओके कोई आया नहीं, हमने कैंसिल कर दिया, एक ही नेड होता ना गाइस, दूसरा नेड के लिए मरना पड़ता है, आइए सर जी आइए, आपका इंतज़ार हो रहा है, आइए आइए आइए, था तीसरा सस्ता नशा कर लिया, चौथा सस्ता नशा करेंगे अब हम, ओके विक्ट्री हो गई थी इस गेम में, वो एक नेट के लिए मरना पड़ रहा था गाइस, फिर हम दूसरे मैच में आए और दोबारा से हम करेंगे सस्ता नशा, कोई आया नहीं तो मैंने नेट कर दिया कैंसिल, फिर से नेट निकाला, करेंगे सस्ता नशा, आइए सर जी आइए, सस्ता नशा करेंगे, था करके आप भी मरे हम भी मरे, दोबारा से करेंगे गाइस सस्ता नशा, मज़ा आता है ना नेट से मारने में, तो मैंने कहा गन से तो मैं हमेशा मारता हूँ, आपको थोड़ा सा कुछ अलग करके दिखाते हैं, फिर से हमने नेट निकाला, आइए सर जी आइए आपको कराएंगे सस्ते नशे, ओके कोई नहीं आया, हमने कैंसिल कर दिया, आ रहा है आ रहा है, आइए आपको कराएंगे सस्ते नशे, 1 2 3 था, वाह 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 वाह। तो उसके बाद से गाइस हम दोबारा सस्ते नशे कराएंगे, और ये वाला सस्ता नशा मेरा फेवरेट था गाइस, देखना मेरे टीममेट को मारा, आइए सर जी आइए हम आपको फिर से कराएंगे सस्ता नशे, 3 2 1 बूम, ये मेरा फेवरेट सस्ता नशा था गाइस, मज़ा आता है नेट से मारने में, क्या फीलिंग आती है, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है गाइस, नेट से मारना बहुत खुशी होती है। और फिर हम दोबारा से सस्ता नशा करेंगे, आइए सर जी आइए आप तो कराएंगे हम सस्ता नशा,
था करके, और मेरा टीममेट भी मर गया लॉल। फिर आखिरी बंदा बचा था गाइस, और मेरे पास नेट खत्म हो गया था तो मैं ऑम निकाली, था करके हमें मिला यहाँ पे विक्टोरी। उफ गाइस, डेली वीडियोस पोस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। देखो मैं कॉन्करर भी पुश कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद गेम प्ले बनाया इस वाले यूरोप में जाके, वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि पॉइंट्स तो मुझे मेडल लिस्ट में चाहिए थे, और फिर उसको एडिट करना और फिर नींद पूरी करना और रोज़ा भी है, तो बहुत मेहनत लगती है गाइस। ऐसे ही बस प्यार दिखाते रहो और कुछ नहीं चाहिए, आपसे सपोर्ट करते रहो, और मेरी कभी आप बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो बस ऐसे प्यार दिखाना आप लोगों से, आप लोग प्यार करते ना तो मोटिवेशन मिलती है। बाकी गाइस छोटी छोटी क्लिप्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।